Hello everyone, welcome to Study English IELTS Preparation. This is your on YouTube channel IELTS Doctor. So in today's video, I'm sharing some of the tips that will help to boost your score in the listening module, right? So listening module mein score improve karne ke liye aapko kaun-kaun se points ko jo hai apne mind mein rakhna hai, that I'm sharing in this video. First of all, I just would like to clear a misconception. So what is the misconception? The misconception is that like if you're having exam on the day when like you have exam of general training and of academic as well, so you will get easier listening test, right? Both sare students ke mind mein hota hai ki jis din GT ke exam hota hai to us din academic ki jo listening hai wo test kafi aasan aata hai. So it is a misconception, aisa bilkul nahi hota. Listening remains completely same, either it's like general training or academic, or both exams are being conducted on one day. तो जो लिसनिंग एग्जाम है वो बिल्कुल सेम रहता है आपका एकेडमिक पे भी, और जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम होता है उस दिन पे भी, बिल्कुल कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं होता. सो इट इज़ अ मिसकंसेप्शन, सो यू जस्ट नीड टू एलिमिनेट इट. द सेकेंड टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लिसनिंग टेस्ट, राइट? होता क्या कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली कमिट मिस्टेक्स व्हाइल रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, राइट? सो वो बाद में जैसे बच्चा आता है एग्जाम देके तो वहाँ पे फिर चीज़ हो जाती है कि सर मेरा ये पॉइंट जो है वो उसमें वन वर्ड रिक्वायर था, मैंने टू वर्ड्स लिख दिए, और लाइक डज इट रिक्वायर्स लाइक राइट नो मोर देन थ्री वर्ड्स, राइट? जहाँ पे होता है कि राइट नो मोर देन थ्री वर्ड्स, इफ़ यू आर राइटिंग जस्ट लाइक वन टू टू वर्ड्स देयर, सो दैट्स इनफ. लाइक वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है कि वन वर्ड रिक्वायर्ड है, टू रिक्वायर्स हैं, या फिर थ्री वर्ड्स आपके रिक्वायर हैं. That depends on the kind of listening test actually, but must remember if it is written right no more than one word, so it means वहाँ पे सिर्फ एक ही word आएगा, एक से ज़्यादा word उसमें आप नहीं लिखेंगे. तो ये point आपने अपने mind में बिल्कुल fix करके रखना है. Secondly, जो है instructions को बिल्कुल careful तरीके से आपने पढ़ना है. Suppose like especially जब आप multiple choice करते हैं, तो मल्टीपल चॉइस करते टाइम में बहुत बार आ जाता है कि लाइक यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, राइट? तो वहां पे जो ऑप्शंस हैं, राइट, मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल क्वेश्चंस हम उनको बोलते हैं, तो उसमें फिर जो है यू नीड टू मार्क एनी टू, लिखा होता है कि मार्क एनी टू फॉर वन मार्क, राइट? तो वहां पे जो है आपने ध्यान रखना कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए मुझे जो है दो ऑप्शंस को करेक्ट को चूज करना है, राइट? अगर दो में से आप कोई एक गलत कर देते हैं तो ऑफ कोर्स आपका वो आंसर जो है वो गलत होता है. तो आपको इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल केयरफुली पढ़ने हैं. अनदर टिप जो कि आपका बैंड स्कोर इंप्रूव करने के लिसनिंग के अंदर, वो है आपका स्पेलिंग्स का. स्पेलिंग्स एक्चुअली बहुत गलत होती है स्टूडेंट्स की, और स्पेलिंग्स के कारण जो है स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम रह जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली इन माय डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन क्लासरूम, सो व्हेन वी चेक मार्कशीट्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, तो उनकी जब आप आंसर शीट हम चेक कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का वैसे अगर स्कोर देखा जाए तो 30 प्लस आ रहा है, राइट? बट इफ़ यू आर चेकिंग द स्पेलिंग, सो वही स्कोर उसका 25-28 पे आके जो है वो, समटाइम्स इट हैपन्स कि बहुत सारे बच्चे जो है स्पेलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, बट लिसनिंग एबिलिटीज जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं. तो ये एक अक्सर सवाल कई बार बहुत ज़्यादा ये आता है कि सर मेरा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ बट मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उसमें आपकी लिसनिंग के अंदर जो है स्पेलिंग्स मिस्टेक्स कि अगर इफ़ यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स इन द स्पेलिंग, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी जो स्पेलिंग्स के कारण आपका स्कोर लो गया हो. तो स्पेलिंग्स पे आपने फोकस रखना है. स्पेलिंग्स पे फोकस रखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को आपने अपने ध्यान में रखना है. सपोज करिए अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, राइट, डबल आर रिक्वायर होता है, डबल ई रिक्वायर है, डबल एस रिक्वायर है, तो आपको एम्फेसाइज करना है कि इस वर्ड में एग्जैक्टली आएगा क्या, राइट? फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन इंपॉर्टेंटली, तो इंपॉर्टेंटली में डबल एल आएगा, सिंगल एल आएगा, तो आपने वो चीज़ अपने माइंड में फिक्स करके रखनी है. अनदर जो टिप है कि लाइक सपोज करिए वर्ड है अरेंजमेंट, सो डज इट कंटेन डबल आर और डबल लाइक और सिंगल एल, राइट? स्पेलिंग सपोज करिए अकोमोडेशन का, तो अकोमोडेशन में डबल सी आना है, डबल एम आना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग स्पेलिंग्स, राइट? अगर कोई स्पेलिंग आपकी गलत होती है तो उसको ठीक किस तरीके से किया जाना चाहिए, आप एक स्पेलिंग को कम से कम जो है 5 से 7 बार लिखें, राइट? 5 to 7 times यू नीड टू राइट दैट स्पेलिंग. इफ यू आर राइटिंग दैट स्पेलिंग 5 to 7 times, सो ऑफकोर्स देर आर ग्रेटर चांसेस दैट यू वुड नॉट कमिट मिस्टेक इन द स्पेलिंग इफ यू आर राइटिंग इट 5 to
सेवन टाइम्स राइट। तो ये स्पेलिंग का है, बाकी जो आपको लगता है कि मेरी स्पेलिंग्स कुछ जो मैं रेज डेली गलत करता हूँ, जो स्पेलिंग्स की पेनल्टी है वो आपको दोनों जगह पे पेनलाइज होना पड़ेगा, लिसनिंग के अंदर भी और राइटिंग के अंदर भी। अगर राइटिंग में भी आपकी जो है लाइक ऑफन इफ़ यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स इन द राइटिंग मॉड्यूल, सो उसमें भी क्या है कि इफ़ यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स इन द राइटिंग मॉड्यूल सो देन अगेन यू हैव टू बी पेनलाइज फॉर दैट। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट। सो अनदर गाइज लाइक द टिप दैट आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर विद यू इज टू कीप प्रीपोजिशंस इन योर माइंड राइट। लिसनिंग के अंदर जो है वो प्रीपोजिशंस काफ़ी मैटर करती हैं। सपोज करिए कहीं पे इन आना होता है, एट आना होता है, ओन आना होता है, तो आपको जो है उस चीज़ को बड़ी केयरफुली तरीके से देखना होता है। आप लिसनिंग में कई बार प्रैक्टिस करते हो तो आप देखते हो कि सर यहाँ पे इन आपने बताया, मैंने इन नहीं लिखा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो प्रीपोजिशंस के ऊपर थोड़ा ग्रामेटिकल रूल को आप अपने माइंड में रख के चलें। अनदर टिप दैट टू इम्प्रूव योर लिसनिंग टेस्ट इज टू रिमेन फोकस्ड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल्स राइट। सिंगुलर और प्लूरल्स में क्या होता है गाइज कि जैसे कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिंगुलर आंसर रिक्वायर होता है, कईयों में प्लूरल रिक्वायर होता है, वेयर द सिंगुलर इज रिक्वायर्ड सो यू हैव टू राइट अ सिंगुलर आंसर राइट। इफ द आंसर इज रिक्वायर्ड इन द प्लूरल फॉर्म सो योर आंसर मस्ट बी इन द प्लूरल फॉर्म। इफ यू आर राइटिंग योर आंसर लाइक सिंगुलर का आप प्लूरल में लिखते हैं, प्लूरल का आप सिंगुलर में लिखते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ऑर्डर टू करेक्ट इट। तो सिंगुलर और प्लूरल में आपने ध्यान रखना है कि वो डबल एस रिक्वायर कर रहे हैं, सिंगल एस रिक्वायर कर रहे हैं, या उसमें ई एस आना है। सपोज करिए इफ इट इज़ रिटन कंट्रीज राइट, तो कंट्री है तो वर्ड उसमें आई ई एस मैंने ऐड करना है, तो स्पेलिंग्स का सॉरी प्रीपो लाइक सिंगुलर्स और प्लूरल्स को अभी आपको अपनी लिसनिंग टेस्ट के अंदर ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और आप अपनी लिसनिंग टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, सपोज करिए आपकी लिसनिंग के अंदर लाइक वेरी ऑफन यू आर लैकिंग स्कोर, आप 10 या 15 से ऊपर अपनी लिसनिंग के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स बहुत सारे बच्चे जो एक्सपीरियंस करते हैं कि 20 to 25 इन बिटवीन वो आके रुक जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें गाइज, आप अपना लिसनिंग जो टेस्ट है कंटिन्यूस एक लिसनिंग टेस्ट को आप जो है वो 3 to 4 टाइम्स करें राइट। एटलीस्ट रिकमेंडेड है कि आप तीन बार उस लिसनिंग टेस्ट को कंटिन्यूस करें, बट यू हैव टू बी लाइक कमिटेड इन दैट कि उस 3 टाइम में आपने जो है लिसनिंग के आंसर चेक नहीं करने राइट। तो अगर आप लिसनिंग के आंसर सपोज आपने चेक कर लिए, दोबारा आप उसको रीलिसन करते हो तो आपको आंसर पता चल जाएंगे। आप उसको जो है 3 टाइम्स जो है बिना आंसर चेक करें सेम लिसनिंग को करें, तो तीनों में स्कोर का डिफरेंस देखना। थर्ड लिसनिंग में आपका स्कोर जो है 100% इम्प्रूव्ड मिलेगा। खुद की गलतियों को आप खुद ही अंडरस्टैंड करना जो है स्टार्ट कर दोगे राइट। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम आती है लिसनिंग के अंदर, पैराफ्रेजिंग आपको थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर जो है स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं कि वो पैराफ्रेजिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते राइट। कई ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली लिखे होते हैं, वो डायरेक्ट को सुन के एकदम से उसके ऊपर झट से क्लिक कर देते हैं कि ये मेरा करेक्ट आंसर है, इसके ऊपर उसने टिक कर दिया। तो बट वैसा जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं कई बार कि वो ये मैं गलत कर गया, तो फर्स्ट मैंने ये सुना था तो ये गलत हो गया। तो उस टाइम पे आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट को आप उसको सुन के जो है आपने अपना आंसर डिसाइड नहीं करना राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट टर्म। अनदर टिप दैट यू कैन इम्प्रूव योर लिसनिंग टेस्ट इज टू लिसन सम ऑफ द लाइक इंग्लिश न्यूज चैनल्स राइट। सो जैसे BBC चैनल है, एंड लिसन मोर एंड मोर, डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ लिसनिंग टेस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेंट आपके पास में आते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज पीपल लाइक आर देयर हु प्रिपेयर लाइक फॉर आइल्स राइट। सो यू कैन ऑल्सो लिसन टू देम, और बहुत सारे रेडियोज जो प्रोग्राम्स हैं स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू लिसन, बिकॉज द सोल पर्पज ऑफ लिसनिंग एनीथिंग इज टू लिसन थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर लिसनिंग एबिलिटीज राइट। क्योंकि हियरिंग एड का प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, आपको लिसनिंग का प्रॉब्लम, तो लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ऑफकोर्स आपको जो है लिसनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस रखने की ज़रूरत है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ में जो है कुछ टिप्स एंड स्ट्रिप्स दैट आई विल शेयर विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज for improving your listening score, and I'd be sharing more tips of writing and speaking as well.
like another module remaining is of reading as well. Reading is again going to be the toughest module of IELTS test. So I'll share some of the tips of that. So for watching more tips of listening test, please watch my next video. In next video, I'll share some of the strategies that will help you to improve your score. And thank you so much for watching IELTS Doctor. Please share your feedback with us to improve the more quality in our videos. And please bless the